तो देखो क्या जमाना आया। मम्मी मेरे को टैटू बनाने के लिए मना करती है कि नहीं नहीं बनवाना, और अम्मा अम्मा आपके टैटू दिखाओ एक बार दिखाओ। ये तो आपकी सात सहेली और ये बहन भाई की, दो ये दो बहन भाई सीता के। अच्छा, और ये आप पति, ये पति का नाम और ये आपका नाम, क्या बात है। और ये क्या है अम्मा? कमल का फूल पे, कमल का फूल या सीता रसोई से। और यहाँ पर अम्मा ने वहाँ पर ये बहन है, सारा घर परिवार बनवा लिया, क्या बात है अम्मा। देखो मम्मी, मैं भी सीता के तो बहन भाई बनवाऊंगी। मम्मी बिल्कुल मना करती है, सीखना ही नहीं बनवाना। देखो अम्मा इतने सारे टैटू, अम्मा कूल लग रहे हो, कूल ऐसे करो, कूल कूल करो। कैसे होता है अम्मा, कैसे होता है ऐसे, दो उंगली ऐसे करो, अरे ऐसे अम्मा। बता यार, बस आज तो मम्मा मैं टैटू बनवाने जा रही हूँ सीता के दो बहन भाई, ठीक है, सीता माता के बनवा रही हूँ, मना नहीं करोगे, सही है ना अम्मा? अम्मा आ गई, आपसे लेनी नहीं, ऐसे बोलते बड़ों से पूछो, आप छोटे हो गए। अम्मा से पूछ के कैसे, क्या कपड़े पहनते थे पहले? अम्मा पहले क्या कपड़े पहनते थे? ऐसे ही मेरे जैसे भाई पहनते थे, देखो फ्रॉक फ्रॉक है ना। अरे अम्मा, अम्मा तो फैशने वाले, अरे आपने क्या मजे किए यार। ये इनकी सासू माँ है ना, इन्होंने तो मम्मी कुछ मजे ही नहीं किए अपनी लाइफ में है। ये देखो, और आजकल मम्मी बोलते हैं, आजकल कैसे मम्मी ऐसे बोलती है कि नहीं नहीं ये ऐसे वैसा। अब देखो मम्मी पहले नहीं, वैसे मम्मी मना नहीं करती, सपोर्ट करती है, खुद बनाती है कपड़े, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा था नो ऐसे करती है। फैक्ट है जो फैक्ट है, ठीक है। और ड्रेस से याद आया, मेरा वो वन पीस बनाना है आपको, येलो वाला। आज अभी फोन लेने आई थी, मेरे फोन का रिचार्ज खत्म हो गया, लाओ फोन करो, दीपक को आ रही है। हम तुम्हारे देखने का इंतजार कर रहा था। पड़ पड़ेगी, चलिए चल। कर रहे हो ये? इसको सर के बल खड़ा होना सिखा रहा हूँ। सीख गया मेरा बच्चा, सीख गया। अरे मारने नहीं मेरे पांडू को। वाह दीपक वाह, तेरे जैसे बहुत सारे बच्चे मैंने कलाकार बना लिए। आज पूरे दिन ऐसे ही खड़ा रहेगा तू, हिले मत हिले मत, उसका खून आ जाएगा सर पे, हिले मत। डबल खुशी, डबल डबल, मेरे एक और प्लेटफॉर्म में 50,000 कंप्लीट हो गए। वो अभी रिवील नहीं करूंगी कौन सा ऐप है, बाद में करूंगी यार, कुछ चीजें तो मैं प्राइवेट रखना नहीं चाहती, बट रखना पड़ रहा है। 50,000 हो गए आज, दीपक को खुशी है? नहीं, इसको तो बिल्कुल नहीं। मॉम यू आर हैप्पी? यस। सो आई वॉन्ट आइसलैंड केक। आइसलैंड केक आता नहीं है वैसे, लेकिन आइसलैंड का केक चाहिए, आइसलैंड वहाँ जो थोड़ा एक्सपेंसिव है, बट आई वॉन्ट दैट केक जो मेरे बर्थडे पे बनाया था, बिल्कुल गंदा। हाँ नहीं नहीं, वहाँ का मत लाना, फिर तुम क्रस्ट का ले आना, क्रस्ट का बहुत अच्छा था, क्रस्ट का बहुत। कौन से दिन खाया तुमने? हैप्पी का खाया था, हैप्पी के बर्थडे के दिन ही। याद है मेरे सामने तो लाया नहीं था वो। तुम पागल हो, बिट्टू दीदी लेके आई थी, अब मैंने इसके बर्थडे पे खाया था, इतना टेस्टी केक आता है क्रस्ट का। तो फिलहाल हम जा रहे हैं दीदी को सरप्राइज करने, वो उस गरीब का फोन खराब हो गया है, एक्चुअली शी इज गरीब यार, मेरे जितना अमीर को ही नहीं होता गया। वैसे रियल मेरी बहन है, लेकिन क्या करे, उसको उठा के लेके आए थे। जोकिंग गाइस, लेकिन जोकिंग नहीं। उठा के वहाँ मुझे लाए होंगे तो मैं तो फिर धूप में पड़ी रहती, तो काला नहीं बोलना चाहिए, तो अबा तो बहन है बयाना मेरी।
तो उसको हम गिफ्ट कर रहे हैं, आई मीन मम्मा गिफ्ट कर रही है उसको एक फोन, उसका फोन बहुत खराब हो गया, थोड़े से मैं भी क्रेडिट ले लो, आज ले लो, थोड़े से मैं भी बुला रही हूँ और थोड़े से उससे भी लूंगी, इस तरह ना महंगे फोन है पूरा पहन लो, मैं दे दूँ, आई फोन चाहिए मैडम को, बोले अच्छे खासे कोई टिकाऊ सुंदर एंड्रॉइड ले ले, नहीं आई फोन चाहिए, मेरी बराबरी करेगी ऐसी बात नहीं, उसका आई फोन बहुत चलाना उसको बहुत पसंद है, तो उसको वही दिलाएंगे, ठीक है जो मन है। लड़की हमारी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी यार दिल तो साफ है ऐसे, तो लड़की अच्छी नहीं लेकिन दिल साफ है, मतलब कुछ ही बोल रहे हो यार, पचास हजार हो गए तो 50 बातें बोल रही हूँ कुछ ही बोल रही है यार। तो इसमें हेल्प कर रहा है दीपक को, कि दीपक को फोन की बहुत नॉलेज है, ये चीज है कि कल को मैं ना कोई भी गैजेट्स लेने जाऊँ कुछ भी हो टू जेड, तो मुझे दीपक की हाँ चीज दी, क्योंकि दीपक को लेके आने के बाद नुपुर इसमें ये फीचर नहीं थे, मुझसे पूछ लेती नुपुर इससे सस्ता ये आ रहा था, मुझसे पूछ लेती तो मैं भेजा फिर होता था यार क्यों चलो हाँ अभी फिर आज हम जा रहे हैं फोन लेने, लो चेक निकालो, चेक निकालो, चेक निकालो, ओ चेक निकालती, पहले हम बैंक से पैसे निकलवाएंगे उसके बाद हम जाएंगे उसको फोन लेने और फिर उसको करेंगे सरप्राइज उसके ऑफिस में। तो फिलहाल हम आ गए हैं स्टोर पर विद दिस कैशिफाई और दीपक परेशान हो रहा है, दीपक ठीक है कौन सा ले कौन सा ले, तो हम आए हैं अभी पलक के ऑफिस रिलायंस डिजिटल और दीपक खड़ा है। यार ऐसी बात नहीं है, मेरे कैमरा क्वालिटी भी शानदार ही है, अच्छी है यार। ये व्लॉग मैं मेरे कैमरे से कर रही हूँ, उससे नहीं कर रही हूँ, वो मेरी पॉकेट में पड़ा है, दिखाऊं, ये देखो दिख रहा है। तो फिलहाल हम जा रहे हैं, पलक तो थोड़ा आ रहा है, चलो 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 चलो, सो एक्साइटेड, पहले उसको बताएंगे नहीं, पता नहीं क्या होगा। तो हम आए दीदी के पास और दीदी अजीब ही लगती है ऑफिस में, बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप, यार इसको एक बार ऐसा लगा जहाँ ये रिलायंस में काम करती है कि हम फोन काउंटर से उठा के उसको दे रहे हैं, उसको बिलीव ही नहीं हुआ, अब आके आप देखो। और ये बात था ना मुझे बाद में रियलाइज हुई, तो ये बीच में डाल दूंगी जब उसका ये रियलाइज होगा, उसका निल रिएक्शन था यार बिल्कुल, ऐसे लगा कि हमने ना ये XR के काउंटर से उठा करके, मतलब जहाँ पे ये डमी फोन लगे हुए होते हैं वो फोन उठा करके उसको पकड़ा दिया फोन। पर वो रिलायंस में काम करती है, उसको ये नहीं पता कि उठा के और दे देंगे तो सेंसर बजेगा। यार शी इज माय सिस्टर गाइस, सिस्टर, इसलिए दोनों कम दिमाग, मेरे में इतना दिमाग है कि सेंसर बजता है, वो तो जिस जगह काम करती है दीदी, कभी कभार नहीं करता, ऐसी बात नहीं, दिमाग बहुत है उसमें, नहीं करता होगा कभी कभार, भोली है ना बेचारी, तेरे आगे नहीं करता ना उसका दिमाग काम, मेरे से डरती है, मेरे से डरती है, मेरे से सही में, मतलब मम्मी से भी डरती ना, मुझसे डरती है, पतली होने का फायदा उठाती है, तो दोनों की आपसरी में लड़ाई होती है ना, तो ये पाँव ही पाँव चला करके उसको है ना दाराशाही कर देती है, दबा लेती हूँ बेचारी, पैर ना हाथ भी ना हिला पाती घूमड़े जैसा कर, उसका पैर उठाने में उसको 3-4 सेकंड लगते हैं, तब तक दहलात वो पीछे जाती है, फिर बोलती है मम्मी इसने मारा और फिर वो इंग्लिश में आ जाती है, फिर नुपुर कुछ नहीं कर पाती, क्यों दिया मतलब क्या बोली ऐसा बोलती, उसकी लैंग्वेज ही ऐसी आ रही है, तुम्हें तो एग्री करना चाहिए, अभी क्या बोली थी आते वक्त वो, नहीं हाँ बिला नुपुर यहाँ पर एक वॉच हुआ है तू देख के आना एक बार दीपक देखो के वो बड़ा ऐसे बोलती हो मोटी है ना आवाज ऐसी निकलती है गले से अभी चिल्ला तो सही दीदी, कोई एक्सप्रेशन तो दे, अरे नीचे आ जा, तो फोन लाया थे क्या सीरियसली तेरी भी, अरे अरे अब चलेगी नीचे, पहले तो चल, कितना जीबी वाले मुझे बता, 128 6 दिए मैंने, क्योंकि तू मेरी बहन रह गई, वरना तो देती भी नहीं शक्ल देख के, तो तू मुझे 20,000 रूपए कर दे, नहीं वो होता रहेगा, मैं तो उसे रिपेयर करवानी थी, और तुम लेके कहाँ से आए, मैं हाय थैंक यू सो मच है ना, शुक्रिया, रो तो ले, तेरे फोन में ब्लॉग है वो दे देना इसके फोन से ब्लॉग बनाया है, सच्ची बोला कितना जीबी है, अरे 128 है मेरी माता, तुम तो इतने खूबसूरत आ रहे हो, ये देखो कैसे आ रही है, कि ये भी रिलायंस की होगी क्या नीचे की, तो वहाँ से लगी कैशिफाई से, ब्लैक भी था इसके अंदर, उसकी 84% की बची थी बैटरी, इसकी 88 है, मैंने दिलवाया, मम्मी तो मना कर रही थी,
देख कितनी अच्छी बहन हूँ मैं। और थोड़े 200-300 रुपए पेटीएम करने वैशाली हूँ, कुछ खा पी के जाऊंगी। दीपक के नंबर पे घर मेरे पास फोन पे नहीं है, मेरे पास सब है। अच्छा हाँ मेरे पास है, मेरे को सोचते हाँ मैं भूल गई थी। कैसा लगा तेरी सरप्राइज? है रेड कलर इसलिए लाई थी क्योंकि देख ब्लैक कलर में अच्छा नहीं मिल रहा था, मेरे स्पीकर फिर खराब थी उसकी, तो फिर मैं लेके नहीं आई उसको सरप्राइज देने की वजह से। डब्बा हमने डिग्गी में ही रखा था, कैसे पैसे लिया गया इस, वहाँ पे सेकंड हैंड फोन मिल जाता है अच्छी किफायती रेंज में। बट देखो सच बताओ ना, मैं ये एक सारी यूजर हूँ तो मुझे थोड़ा हाइप लगा रेंज, बट स्टिल नीड मजबूरी इंसान को सब करा देती है। अगर आज मजबूरी नहीं होती, मजबूरी नहीं होती ना, तो बहुत अच्छा फोन लेते उसके लिए, बहुत अच्छा। बट उसके सरप्राइज की वजह से नया ही ले लेते, ट्रू। बट स्टिल कोई नहीं, मिल गया जो अच्छा। XR बुरा नहीं यार, मैं 2 साल से यूज कर रही हूँ, आई लव दिस फोन, बहुत हैंडी, बहुत अच्छा फोन है। दीपक को एक आम से अच्छा लगता है। दीपक इसको रखना है, दिया है हम आपकी बेटी को गिफ्ट, ठीक खुश हुई। हाँ बोली यार मेरे तो ऑफिस जाने का मन ही नहीं है दोबारा, मेरे को तो यहाँ से ले चलो। पता मैं एक बात बताऊँ, हम दीदी को फोन देने जा रहे थे तो मायोन के आगे जो मेन रोड आती है ना वहाँ पर कॉर्नर पर ही हम है ना, एक जगह तो खुशी मनाने जा रहे थे और एक जगह किसी का परिवार हो रहा था, डेड बॉडी देख रहा मैं तो हाथ जोड़े। मतलब यार दुनिया में आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती क्या क्या होता है। दीपक और मैं मतलब बिल्कुल नील हो गए, 1 किलोमीटर तक तो हम दोनों ने लिए थे, बात ही नहीं की हम दोनों ने एक दूसरे से। तब हम इतने खुश थे कि उसको सरप्राइज देंगे करेंगे, फिर कुछ भी हो सकता है यार, क्या कंडीशन हो रही होगी उनके परिवार वालों की। और सच में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अपन लाइफ से। मम्मा आज पहली बार मुझे ये रियलाइज हुआ यार सच में, बस यही चीज है। मैंने फ्लैश चालू नहीं किया, इससे थोड़ी काली आ रही होंगी, मेरे दिमाग कम है वैसे भी, पूरी बातें कर लिया और फ्लैश चालू नहीं किया।